नेल्को पे नितिन जी का व्यू चाहिए। नेल्को 873-74 रुपए के आसपास चल रहा है। देखिए नेल्को ने जिस हिसाब से एक बार लोअर बॉटम फॉर्मेशन किया है, एक लोकल बॉटम फॉर्मेशन 835-36 के आसपास किया है, जिसका कि हमारा लेवल जो था वो 841 था, तो कहीं ना कहीं उसने 841 के लेवल को एक बार रेस्पेक्ट दिया है। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी फिर उठना, जो इसको रैली जो स्टार्ट कर रही है, वो रैली अभी तक स्टार्ट ही कर नहीं पाए, कंसोलिडेट हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-12 दिन तक और चलेगा, बिकॉज नवंबर 14-15 तारीख के बाद से मुझे लगता है इसके अंदर में एक बड़ी मूवमेंट बन रही है। 14-15 तारीख के बाद से बड़ी मूवमेंट एक बन रही है, जहां पर अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट किया तो मैं बोलूंगा आपको अगर इसके अंदर में इन्वेस्ट करना है, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो 901 रुपए के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है तभी आप इंटर करें। आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों में 901 के ऊपर में क्लोजिंग देकर उसको ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस हिसाब से नहीं बैठ रहा है। 901 के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है तब आप इंटर करें, क्योंकि उसके बाद में आपको मैं अगर 6 महीने का टारगेट देता हूं तो वो टारगेट 1040 रुपए का आ रहा है। और अगर मैं 1 से 1.5 साल का अगर मैं टारगेट लेता हूं इसका, तो 1 से 1.5 साल में ये 1123 रुपए का टारगेट बना रहा है। सो लेकिन 901 के ऊपर आप इसको क्लोजिंग देने दें, बिकॉज 901 ऐसा नंबर है जिसके बाद में इसके गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो सिर्फ 855 रुपए का होगा, 45 रुपए का, 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपके पास में टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट कई गुना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ जाएगा उस जगह पे। अभी जिस जगह पे कर रहा है ट्रेड कर रहा है 874-875 के आसपास, कहीं ना कहीं ये एक बार ये 827 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 827 का भी नंबर एक ऐसा है जो इसके लिए खुला हुआ है अभी भी। लेकिन 901 के ऊपर क्लोज अगर हो जाता है तो 827 वाला जो लेवल है वो नलीफाई हो जाएगा, फिर ये अपने ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट करेगा। तो फ्रेश एंट्री 901 के ऊपर ही करें, अभी ना करें जी। तो ये थी राय नेल्को के ऊपर।